तो Asus लॉन्च करता है नया एक्सपर्ट सीरीज, तो उसमें लैपटॉप भी है और डेस्कटॉप भी है। तो ये जो एक्सपर्ट सीरीज होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और आईटी कमर्शियल्स यूजर्स के लिए यहाँ पर होने वाला है। तो Asus के जो लैपटॉप सीरीज होने वाली है वो है Asus के एक्सपर्ट बुक, और डेस्कटॉप वर्जन जो होने वाले वो है Asus के एक्सपर्ट सेंटर। तो सबसे पहले बात करते हैं Asus का एक्सपर्ट बुक B9 का। तो ये जो होने वाले है वर्ल्ड्स लाइटेस्ट लैपटॉप आपको देखने को मिलने वाला है। इसका वेट लगभग 1 किलो का है, मतलब 995 ग्राम्स का, और इसका जो हिंजेस है वो लीड जो है वो 180 डिग्री तक फुल फ्लैट ओपन हो जाता है। प्लस आपको इसमें अर्गो लिफ्ट भी देखने को मिलने वाला है। 145 का अर्गो लिफ्ट आपको देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ 5 डिग्री का आपको अर्गो लिफ्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर लैपटॉप को ऊपर लिफ्ट कर देगा। और ये जो लैपटॉप्स होने वाले हैं वो आईटी फील्ड्स वालों के लिए, जो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, ऑन दी गो यहाँ पर फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये लैपटॉप जो B9 है वो बेस्ट रहने वाला है। आपको ये काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, और आपको ये लैपटॉप में इंटेल के नए प्रोजेक्ट एथिना से रिलेटेड काफी सारे यहाँ पर फैसिलिटीज देखने को मिलने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होने वाला है, रेडी टू गो परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है, कनेक्टिविटी काफी फास्ट होने वाली है, और बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप भी ज्यादा देर तक टिकने वाली है। तो लैपटॉप इतना तगड़ा होने वाला है, मतलब आपको यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेशन देखने को मिलने वाले। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन का मतलब आपको काफी ज्यादा यहाँ पर टेस्टिंग्स कर चुके हैं लैपटॉप्स के, ओपन क्लोज का यहाँ पर 5000 टेस्ट हो चुके हैं। जो USB के पोर्ट्स होते हैं स्टेनलेस स्टील से बने, उनको भी यहाँ पर 2 to 3000 तक यहाँ पर प्लग इन और प्लग आउट किया है। तो सारे टेस्टिंग्स यहाँ पर काफी ज्यादा हद से पार यहाँ पर कर दिए, और ये लैपटॉप्स केपेबल है आपको लगभग 4 to 5 years तक ये आराम से बिना कोई इश्यूज के लैपटॉप काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी देने वाले। तो कीबोर्ड जो मिलने वाले वो बैकलाइट कीबोर्ड से, प्लस आपको स्पीड रेजिस्टेंस कीबोर्ड देखने को मिलने वाले, यानी कि आप पानी भी गिरा देते हो, कॉफी गिरा देते हो, तो 3 मिनट में आप लैपटॉप को ऐसे साइड में कर दोगे तो पानी जो है वो निकल जाएगा, जो कॉफी वगैरह है वो निकल जाएगी। तो स्पीड रेजिस्टेंस होने का काफी बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला, और यहाँ पर मैं पर्सनली बोलूं तो स्पीड रेजिस्टेंस कीबोर्ड मेरे पास भी एक माइक्रोसॉफ्ट का काफी पुराना है, लगभग यहाँ पर 6-7 साल हुए अभी तक वो डैमेज नहीं हुआ। तो आपको कीबोर्ड का जो है वो फैसिलिटी जो है काफी बेहतरीन लॉन्ग टाइम तक आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो Asus एक्सपर्ट बुक B9 में आपको जो चेसी मिलने वाली है वो मैग्नीशियम लिथियम की चेसी मिलने वाली है, जो लाइट वेट करती है और काफी रिजिड परफॉर्मेंस आपको देने वाली है। मतलब जो स्ट्रांगनेस है, जो स्ट्रेंथ है इसका काफी बढ़िया, यहां पर शॉक प्रूफ भी मिलता है आपको, मदरबोर्ड को कोई हानि ना पहुंचे इसकी वजह से आपको रबर डैम्पर्स मिलते हैं अंदर कुशंस की तरह, जहां पर आपके मदरबोर्ड को डैमेज ना पहुंचे। अगर आपने 1-2-3 मीटर से यहां पर फॉल करता है आपका लैपटॉप, ज्यादा कुछ डैमेज नहीं आने वाला लैपटॉप को या फिर बोलो मदरबोर्ड को। तो जो चेसी है वो काफी स्ट्रांग है, मिलिट्री ग्रेड का स्टैंडर्ड है, मैग्नीशियम लिथियम यूज की है जो कार्बन फाइबर के लेवल्स में आती है। तो बात करते हैं अभी ट्रैक पैड की, तो ट्रैक पैड में ही आपको नम पैड 2.0 देखने को मिलने वाला है, जो Asus ने यहाँ पर इन्वेंट किया है। ट्रैक पैड पे ही आपको नम पैड का ऑप्शन मिलने वाला है, और एट ए टाइम आप ट्रैक पैड भी यूज कर सकते हो विद नम पैड, आपको काफी बेस्ट फैसिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो थोड़ा कॉम्पैक्ट पीस करने के लिए नम पैड को यहाँ पर ट्रैक पैड पे शिफ्ट किया है, बट कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होने वाला, आप दोनों एट ए टाइम यूज कर सकते हो, तो काफी बेहतरीन यहाँ पर फीचर बनता है। तो बात करते हैं अभी इसके डिस्प्ले की, तो भाई यहाँ पर आपको 13 इंच की चेसी में 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। तो जो डिस्प्ले है वो काफी नैनो एज डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाले, ऊपर की तरफ 7mm का बेजल्स है, बट साइड में आपको 4mm के बेजल्स देखने को मिलता है। जो स्क्रीन का बॉडी रेशियो आप बोलोगे 94% का देखने को मिलता है। तो इमल्सिव कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले, काफी ब्राइट, और व्यूइंग एंगल्स भी काफी बढ़िया मिलने वाले, क्योंकि 180 डिग्री तक ये लीड फुल ओपन हो जाता है, ताकि जिनको आप शेयर करना चाहते हो लैपटॉप उनको यहाँ पर स्क्रीन दिखा सकते हो। लैपटॉप जो होने वाला है वो अल्ट्रा थिन होने वाला है। भाई अल्ट्रा थिन लैपटॉप किसे नहीं पसंद, 14.9mm का यहाँ पर आपको अल्ट्रा थिन लैपटॉप देखने को मिलने वाला है। तो इतना कुछ यहाँ पर हैवी भी सामान है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है, 14.9mm का लैपटॉप आपको अल्ट्रा थिन लैपटॉप काफी बेस्ट मिलता है, विद आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप भी ज्यादा मिलते हैं। 66 वाट आवर्स का यहाँ पर बैटरी है, फोल्स है लिथियम आयन की बैटरी, जो कि आपको बैटरी बैकअप देने वाली है 24 आवर्स का, मतलब आप समझ रहे हो 24 आवर्स का फुल डे यहाँ पर बैटरी बैकअप देता है, और इसका बैटरी टाइमिंग मुझे फास्ट है, 60% चार्ज कर देगा लगभग 42 मिनट्स में। तो फास्ट चार्जिंग प्लस ड्यूरेबिलिटी बैटरी की, लाइट वेट लैपटॉप है जहां पर 995 ग्राम्स का, लगभग आपको 5 ग्राम थोड़ा कम 1 किलो से
कंफर्टेबल लैपटॉप आपको देखने को मिलने वाला है। 14 इंच का स्क्रीन मिलता है एक कॉम्पैक्ट से पीस में, तो एक प्रीमियम लुक देता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्रैक पैड के नीचे एक बार मिलेगा जो है एलेक्सा कंट्रोल्स का, जहाँ पर वो ब्लिंक करेगा कोई अगर आपका इंडिकेशन या फिर नोटिफिकेशन आता है, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लुक देता है। तो डिस्प्ले के ऊपर ही आपको यहाँ पर कैमरा मिलता है, कैमरा को आप सिक्योर भी कर सकते हो वेब शील्ड से। यहाँ पर अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो, प्राइवेसी चाहते हो, तो वेब शील्ड को ऑन कर दो, कैमरा जो है वो बंद हो जाएगा और आप अपना जो काम है वो सिक्योरिटी का कर सकते हो। तो एक प्राइवेसी के मामले में वेब शील्ड काफी बेहतरीन है। उसके बाजू में आईआर सेंसर्स मिलता है आपको, आईआर सेंसर से आप फटाफट विद इन अ 0.3 सेकेंड्स आपका जो फेस अनलॉक से लैपटॉप को अनलॉक कर सकते हो। जी हाँ, सिर्फ फेस अनलॉक ही नहीं मिलता, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है जिससे आप मोबाइल को और सिक्योर बना सकते हो। और यहाँ पर जो कैमरा है ये HD वेब कैम नहीं है, यहाँ पर चेंज कर दिया है फुल HD वेब कैमरा। तो लैपटॉप के फॉर्मेट में आपको एक HD वेब कैम से फुल HD वेब कैम का यहाँ पर एक एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। जो पोर्ट्स की बात करूँ तो पोर्ट्स में आपको 2 USB थंडर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, मतलब इतने सारे पोर्ट्स नहीं है, बट ये जो पोर्ट्स है उससे आप काफ़ी सारा यहाँ पर मज़ा ले सकते हो। USB थंडरबोल्ट 3.0 से आप इथरनेट पोर्ट का कनेक्शन कर सकते हो। तो USB थंडरबोल्ट से आप 2 डिस्प्ले लगा सकते हो 4K क्वालिटी के। तो लैपटॉप केपेबल है 4K डिस्प्ले जनरेट करने के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स से। और USB थंडरबोल्ट 3.0 से आप एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो ये लैपटॉप में। तो काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर USB थंडरबोल्ट 3.0 के पोर्ट्स मिलते हैं, 2 मिलते हैं जिससे आप चार्जिंग भी कर सकते हो और जहाँ पर आप डिस्प्ले या फिर ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। तो काफ़ी बेस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन बनता है। HDMI पोर्ट तो मिलता ही है। तो लैपटॉप का यहाँ पर ओवरऑल जो बाहर का है वो काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। तो अंदर का माल कितना है, तो आपको यहाँ पर इंटेल के i5 और i7 जनरेशन के जो कि 10th जनरेशन प्रोसेसर होने वाले, जबकि यहाँ पर प्रीमियम लैपटॉप है इसकी आपको i5 और i7 ये 2 वर्जन देखने को मिलते हैं। रैम की बात करें तो आपको 8 GB और 16 GB का स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, आप रैम यहाँ पर एक्सपांड नहीं कर सकते, रैम ऑलरेडी यहाँ पर मदरबोर्ड पे प्री इंस्टॉल होने वाली है। आपको 8 GB या फिर 16 GB के 2 मॉडल्स अलग अलग देखने को मिलने वाले हैं। इंटरनल ग्राफिक कार्ड आपको मिलता है इंटेल की तरफ से, इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स कार्ड। स्टोरेज की बात करो तो भाई प्रीमियम लैपटॉप है तो सादा सुधा स्टोरेज ना यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। PCIe 3.0 X4 M.2 SSD स्लॉट, जी सिंगल नहीं ड्यूल SSD स्लॉट आपको देखने को मिलने वाले। यहाँ पर हार्ड डिस्क का कोई स्लॉट नहीं है, बट आपको ड्यूल स्टोरेज आप 2 TB तक यहाँ पर इसे यूज कर सकते हो। और तो मजे वाली बात यह है कि आप किसी भी SSD को यहाँ पर RAID 0 या फिर RAID 1 यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। तो आपके ऊपर ड्यूअल स्टोरेज मिलता है तो कौन सा यहाँ पर आपको प्रीफर करना है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और ये लैपटॉप में आपको जो डिस्प्ले मिलने वाला है उसमें पैनल सेल्फ रिफ्रेश देखने को मिलने वाला है, मतलब PSR। तो ASUS ने यहाँ पर इन्वेंट किया है, जो यहाँ पर आपका डिस्प्ले पैनल रहता है उसके ऊपर से जो आपकी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का पावर ना यूज करते हुए रैम का यहाँ पर थोड़ा पावर कंज्यूम करके, तो ये टेक्नोलॉजी से आपका जो बैटरी का जो पावर वैट है वो यहाँ पर कम हो जाता है। ग्राफिक से अगर पावर ले तो 3 वैट का यूज होता है, और डेडिकेटेड मेमोरी से यहाँ पर अगर पावर कंज्यूम किया तो 1 वैट का यहाँ पर आपको पावर मोड देखने को मिलने वाला है। मतलब जो डिस्प्ले पे आप फोटोज देखते हो, वर्ड प्रोसेस करते हो, कोई भी यहाँ पर काम करते हो, मतलब जो पैनल सेल्फ रिफ्रेश टेक्नोलॉजी से आपका जो बैटरी जो है वो ज़्यादा देर तक टिकता है। इसकी वजह से 24 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। जो लैपटॉप है वो डिटेक्ट कर लेता है कि कितना रिफ्रेश रेट यहाँ पर अभी यहाँ पर लैपटॉप यूज करेगा। तो लगभग यहाँ पर फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके लैपटॉप फुल यहाँ पर फुल अच्छे से यहाँ पर डेवलप किया है। तो इतना प्रीमियम लैपटॉप है, और यहाँ पर आपको प्रीमियम कूलिंग भी मिलती है, मतलब आपको है ना 24% स्मॉलर कूलिंग देखने को मिलने वाली। मतलब जो कूलर का साइज है, जो कूलर की फैन यूज करते उसका साइज थोड़ा कम कर लिया, और एडवांस थर्मल टेक्नोलॉजी यूज की है लैपटॉप की चेसिस के अंदर, और जिसके चलते आपका जो लैपटॉप है वो बेटर परफॉर्मेंस करने वाला है कूलिंग के मामले में भी। आप कितना भी हार्ड कोर यूज करो तो एक प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप का जो लेवल होता है वो यहाँ पर मेंटेन कर देते हैं। और लैपटॉप में आपको कॉर्ड बिल्ट इन माइक्रोफोन्स देखने को मिलने वाले, तो जिसके चलते आपका जो वॉइस का नॉइस कैंसलेशन है या फिर दूरी मेंटेन करके आप बात कर रहे हो तो वो ठीक से कैच कर लेगा, और जो अदर नॉइज है उसको कैंसिल करके आप जो बोल रहे हो वो नॉइज कैच करके आगे फॉरवर्ड करेगा।
तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, मतलब कॉर्ड माइक्रोफोन्स और नॉइस कैंसलेशन एक लैपटॉप में काफ़ी बेस्ट यहाँ पर बात बनती है। और माइक की बात करो तो उसके बाद आता है अपना स्पीकर, तो स्पीकर आपको यहाँ पर 2-2 वैट्स के हार्मन गार्डियंस के स्पीकर देखने को मिलने वाले, जो कि काफ़ी क्रिस्प क्लियर और बेस्ट साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है आसूस के हार्मन गार्डियंस के स्पीकर्स। जी हाँ, मैंने भी यहाँ पर यूज़ किया आसूस के हार्मन गार्डियंस, लाउड नहीं है बट आपको सुनने में काफ़ी यहाँ पर एक रियलिस्टिक फील देता है साउंड विद इन अ लैपटॉप, वो फील ले सकते हो। लैपटॉप में आपको वाईफाई 6 देखने को मिलने वाला है, मतलब जहाँ पर आपका लैपटॉप कंफर्टेबल रहेगा, जहाँ पर जिसकी जितनी वाईफाई की रेंज होगी, जितना बेटरमेंट आपके लैपटॉप के वाईफाई को कैच करने में मिलेगा, वैसे यहाँ पर एडप्ट कर लेगा, और जो इंटरनेट स्टेबिलिटी है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो लैपटॉप्स के आपको 2 कलर्स वर्जन देखने को मिलने वाले, स्टार ब्लैक और विजडम। तो ये जो कलर्स है आपको 2 चॉइस देखने को मिलने वाले लैपटॉप में। तो लैपटॉप प्रीमियम होता है तो लैपटॉप के कलर्स भी प्रीमियम बनते हैं। तो दूसरा जो लैपटॉप होने वाला है वो है आसूस का P2 लैपटॉप। तो P2 लैपटॉप मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल एंटरप्राइजर लेवल्स पे यहाँ पर लैपटॉप्स आते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं, P2 लैपटॉप सिमिलर आपको जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज, मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स, स्पिल रेजिस्टेंस कीबोर्ड आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर 180 डिग्री का फ्लैट लिड्स ओपन होता है पूरा, यहाँ पर अर्गोलिप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी देखने को मिलता है। और आसूस का एक्सपर्ट सीरीज का P2 लैपटॉप, इसमें आपको कीबोर्ड के अंदर एक पॉइंटर देखने को मिलने वाला है, सिमिलर एज यहाँ पर लेनोवो के थिंकपैड्स में जो देखने को मिलता है, वही यहाँ पर आपको आसूस के एक्सपर्ट बुक सीरीज में भी P2 वर्जन में देखने को मिलने वाला है। सिमिलर थिंकपैड की तरह पूरा इंटरफेस देखने को मिलने वाला है, फिंगरप्रिंट सेंसर से ट्रैक पैड पे है जो ऊपर 2 क्लिक्स मिलते हैं लेफ्ट और राइट, और कीबोर्ड के अंदर ही आपको सेंस पॉइंट डिजाइन वाला एक पॉइंटर मिलने वाला है जिससे आप इजीली नेविगेट कर सकते हो। डिस्प्ले साइज भी आपको सिमिलर 14 इंच का डिस्प्ले मिलता है 13 इंच की चेसी में, कॉम्पैक्ट पीस में आपको एक टफ लैपटॉप देखने को जरूर से मिलने वाला है। इसमें भी आपको वही फैसिलिटी देखने को मिलने वाली, कैमरा पे आपको वेब शील्ड देखने को मिलने वाला है जिससे आप प्रोटेक्शन कर सकते हो, प्राइवेसी अपनी खुद की एक। इसकी स्ट्रांगनेस की बात करो तो आपको यहाँ पर रॉक सॉलिड कंस्ट्रक्शन देखने को मिलने वाला है, मतलब लैपटॉप्स के जो एंड में मतलब पैनल के अंदर EAR HDD प्रोटेक्शन मिलने वाला है। HDD प्रोटेक्शन मतलब आपको इसमें HDD+ SSD देखने को मिलने वाला है, M.2 का स्लॉट भी है और विद SSD स्लॉट भी आपको देखने को मिलता है। तो काफी बेस्ट यहाँ पर स्टोरेज और परफॉर्मेंस के मामले में काफी बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। स्ट्रांगनेस तो काफी यहाँ पर मिलता है, एल्यूमिनियम अलॉय की लीड है, स्टील के सपोर्ट्स आपको देखने को मिलने वाले कीबोर्ड्स पर, जिसकी वजह से पूरा लैपटॉप यहाँ पर आपका जो है वो शॉक प्रूफ बन जाता है। तो लैपटॉप की वेट की बात करें तो लगभग 1.5 किलोग्राम का ये लैपटॉप होने वाला है। तो लैपटॉप्स के पोर्ट्स की बात करें तो आपको भर भर के पोर्ट्स देखने को मिलने वाले, मतलब यहाँ पर आपको VGA पोर्ट भी एडिशन में मिलता है, विंटेज लैपटॉप प्लस न्यू जनरेशन लैपटॉप, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके पूरा यहाँ पर पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको देखने को मिलने वाले, USB 2.0, USB 3.0, Type-C पोर्ट, VGA केबल का कनेक्शन, इथरनेट पोर्ट RJ45 का, MicroSD कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलता है, हेडफोन जैक वगैरह आपको मोस्टली सारे पोर्ट्स यहाँ पर ये लैपटॉप में देखने को मिलने वाले। तो लैपटॉप का इंटरनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको लैपटॉप में i5 और i7 सिमिलर 10 जनरेशन के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर आप रैम स्लॉट है वो 32 GB तक एक्सपांड कर सकते हो, ड्यूल डीम स्लॉट आपको देखने को मिलता है, मतलब आपको जितनी रैम चाहिए आप 32 GB तक रैम एक्सपांड कर सकते हो, प्लस आपको HDD और SSD का स्लॉट भी देखने को मिलता है, मतलब आप NVMe यूज कर सकते हो तो या फिर HDD हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हो। स्टोरेज के मामले में काफी बेहतरीन आपको ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलने वाला, मतलब ये गेमिंग लैपटॉप तो नहीं है बट बिजनेस कमर्शियल यूजर जो होने वाले उनके लिए एक थोड़ा सा वीडियो रेंडरिंग के लिए, मतलब थोड़ा सा जो वीडियो प्लेबैक वगैरह होता है प्रेजेंटेशन के लिए जो हाई क्वालिटी का है, जो भी विजुअल्स होने वाले उनको रेंडर करने के लिए MX का 110 ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलने वाला है। तो बिजनेस जो लैपटॉप्स होने वाले वो गेमिंग लैपटॉप्स नहीं बट सफिशियंट रहेगा MX का 110। तो बैटरी की बात करें तो आपको 48 वाट आवर्स की बैटरी देखने को मिलने वाली है जो कि 13 आवर्स तक का कंप्लीट बैटरी बैकअप दे देगी। तो आपको यहाँ पर हार्ड ड्राइव और SSD का स्लॉट देखने को मिलता है और ढेर सारे पोर्ट्स वगैरह है, तो 13 आवर्स का बैटरी बैकअप सफिशियंट है ये लैपटॉप के लिए। और इस लैपटॉप में भी आपको वाईफाई 6 देखने को मिलने वाला है जो कि फास्टर कनेक्टिविटी और एडेप्टिविटी कनेक्टिविटी देने वाला है। तो ये बनता है पूरा ओवरऑल P2 लैपटॉप्स। तो आसूस का एक्सपर्ट बुक P2 लैपटॉप्स में आपको सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है और MX का 110 एक ग्राफिक का डेडिकेटेड इनबिल्ट आपको देखने को मिलने वाला है, इंटेल का i5 और i7 जनरेशन के 10 जनरेशन के प्रोसेसर आपको मिलते हैं, अपग्रेडेबल रैम आपको मिलती है, अपग्रेडेबल स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, सेंस पॉइंट डिजाइन एक यहाँ पर ट्रैकर है कीबोर्ड के बीच में,
सिमिलर एज ए थिंक पैड, तो कॉम्पिटिशन में उतर के आता है आसूस भी थिंक पैड के साथ में। तो अभी बात करते हैं आसूस के एक्सपर्ट बुक P1 सीरीज का। तो यहाँ पर ये मिड रेंजर बोल सकते हो या फिर मेन स्ट्रीम लैपटॉप्स यहाँ आपको देखने को मिलने वाले। तो ये जो लैपटॉप्स में आपको डिस्प्ले जो मिलने वाले वो फुल HD IPS पैनल वाला डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन काफी बेहतरीन होने वाले। इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर ही आपको एक मेटेलिक चेसे देखने को मिलते हैं, मतलब आप टाइप करो तो इतना कुछ यहाँ पर शेक नहीं करेगा कीबोर्ड टाइप करते वक्त। तो स्टेबिलिटी आपको कीबोर्ड की यहाँ स्ट्रेंथनिंग और काफी बेहतरीन टाइप यहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये लैपटॉप में भी जो इंटरनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले वो है इंटेल के i3 i5 i7 10 जनरेशन वाले प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं, और ये सिर्फ P1 लैपटॉप्स में आपको i3 i5 और i3 ये तीन वर्जन देखने को मिलते हैं। बाकी के P2 और B9 सीरीज में आपको i5 और i7 के अलावा कोई नहीं मिलने वाला। तो आप यहाँ पर 16GB तक एक्सपांड कर सकते हो, और इसका जो स्टोरेज है उसको भी एक्सपांड कर सकते हो, 512 प्लस 1TB का स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। और अगर आपको कोई और स्टोरेज लगाना है तो आप फ्री हो लगा सकते हो, आपको जो पसंद है वो स्टोरेज लगा सकते हो, क्योंकि आपको NVMe स्टोरेज और हार्ड ड्राइव स्टोरेज साटा पोर्ट्स का स्टोरेज मिलने वाला है। बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर 49 मिनट्स में 60% का फास्ट चार्जिंग मतलब कर देगा, और आपको काफी देर तक बैटरी बैकअप देना है मतलब। तो P1 410 में आपको 6.5 mm का जो बेजल है आपको देखने को मिलने वाले, और बाकी के जो दो वेरिएंट्स है P1 510 और P1 545 ये दोनों लैपटॉप्स में आपको 7 mm का बेजल्स देखने को मिलने वाला है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 78% आपको P1 410 में देखने को मिलता है, और 83% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको बाकी के दो लैपटॉप्स में देखने को मिलते हैं। और आपको P1 541 में ODD देखने को मिला है, मतलब ऑप्टिकल ड्राइव। फिलहाल तो ये जनरेशन में कोई ऑप्टिकल ड्राइव यूज नहीं करता, बट इनकेस अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप वो ऑप्टिकल ड्राइव को हटा के वहां पर भी एक स्टोरेज लगा सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो टोटल आपको 3 स्टोरेज देखने को मिलता है। आप एक हार्ड डिस्क लगा सकते हो या फिर उसमें SSD लगा सकते हो। एक हार्ड डिस्क मिलता है, उसमें SSD मिलता है, और NVMe का पोर्ट देखने को मिलने वाला है, मतलब ऐसे टोटल 3 स्टोरेज देखने को मिलने वाला है आपको। तो टोटल ये जो लैपटॉप्स है Asus के एक्सपर्ट बुक सीरीज में आपको देखने को मिलने वाले B9 P2 P1 के 3 लैपटॉप सीरीज आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि काफी यहाँ पर बेस्ट बिजनेस लैपटॉप्स आपको मिलने वाले। तो P1 के जो लैपटॉप्स है उसमें आपको मिलिट्री ग्रेड का स्टैंडर्ड्स नहीं देखने को मिलते, बट P2 और B9 में आपको मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी बेस्ट आपको प्रोटेक्शन देने एक स्ट्रांग फील देते हैं। बट यहाँ पर P1 में भी आपको एक प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, मेटेलिक चेसी वगैरह सब आपको देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं अभी Asus के जो डेस्कटॉप वर्जन है एक्सपर्ट सेंटर। तो Asus एक्सपर्ट सेंटर D8 और ये जो सारे डेस्कटॉप होने वाले वो बिजनेस कमर्शियल IT इंडस्ट्रीज या फिर कोई एजुकेशनल सिस्टम में आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसमें आपको इंटेल का Q370 चिपसेट देखने को मिलता है, इसमें इंटेल का V Pro रेडी देखने को मिलता है, अप टू 64GB तक आप यहाँ पर RAM एक्सपांड कर सकते हो, 3x डिस्प्ले कैपेबल है विदाउट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, 13 लीटर्स की यहाँ पर पूरा कैबिनेट आपको देखने को मिलने वाला है, 6x साटा पोर्ट्स आपको मिलते हैं, मतलब 6 हार्ड ड्राइव स्टोरेज आप लगा सकते हो या फिर SSD लगा सकते हो, 2 लेस ड्राइव एक्सेस है, मतलब आपको यहाँ पर कोई स्क्रू डिले नहीं करने कैबिनेट को ओपन करने में। तो अगले जो डेस्कटॉप आता है वो है Asus का एक्सपर्ट सेंटर D6। इसमें भी आपको इंटेल का i365 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, और इसका i5 9 जनरेशन तक आप यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हो। इसमें भी आपको 6x साटा पोर्ट देखने को मिल रहा है, 32GB का स्टोरेज आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, और इसमें आप ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो, NVIDIA का 1660 Ti GPU, ये भी 3x इंडिपेंडेंट डिस्प्ले केपेबल है, मतलब 3 डेस्कटॉप एट ए टाइम यहाँ पर रन कर सकता है, 80+ ब्रॉन्ज PSU आपको मिलता है, मतलब पावर सप्लाई, और यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन में भी आपको मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स देखने को मिलने वाला है, मिलिट्री स्टैंडर्ड्स 810G सर्टिफाइड, ये जो है डेस्कटॉप का कैबिनेट आपको मिलने वाला है, सिक्योर रिलायबल एंड बिजनेस रेडी डेस्कटॉप, आपको काफी बेस्ट कॉम्बिनेशन Asus की तरफ से आपको मिल रहा है। तो ये कुछ फोटो सैंपल्स आप देख सकते हैं, इसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया कि कितने पोर्ट्स आपको अवेलेबल देखने को मिलने वाले, लगभग सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिलने वाले, और D6 42mm में आपको जो यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी अंडर की जो मिलने वाली है वो काफी ज्यादा मिलती है, मतलब आप NVIDIA का RTX 2060 लगा सकते हो, और यहाँ पर जो स्पेस है वो भी सूट करता है, और मदरबोर्ड को भी कैपेबल है जो ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हो। तो अगला जो डेस्कटॉप आता है वो है Asus का Asus Pro Expert Center D3। इसमें आपको इंटेल के H310 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, इसमें भी आप 32GB तक RAM एक्सपांड कर सकते हो, ऑप्टिकल NVIDIA ग्राफिक्स देखने को मिलता है, और ये कैपेबल है 2 डिस्प्लेस कनेक्ट करने के लिए एट अ टाइम, 80+ ब्रॉन्ज PSU पावर सप्लाई देखने को मिलता है, इसमें भी आप इंटेल i5 9 जनरेशन तक प्रोसेसर एक्सपांड कर सकते हो। तो अगला जो डेस्कटॉप है वो है Asus का Vivo All-in-One, मतलब यहाँ पर सिर्फ डेस्कटॉप
माउस और कीबोर्ड आपको मिलने वाले, बाकी का कुछ नहीं। कैबिनेट यहाँ पर इन डेस्कटॉप मिलता है, जो डेस्कटॉप मिलने वाला है, जो मॉनिटर है यहाँ पर आपको बेजललेस डिस्प्ले देख रहे हो आप। डिस्प्ले जो है वो पूरा यहाँ पर एच टू एच कैप्चर कर लिया है। नैनो एच बेजल्स है, 2 मिलीमीटर के बेजल्स आपको यहाँ पर मिलते है। 100% sRGB कलर रिप्रोडक्शन मिलता है। 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल से ऑल मेटलिक चेसी एंड स्टैंड्स, आपको पूरा जो लैपटॉप, आपको पूरा जो डेस्कटॉप होने वाला है वो मेटलिक चेसी से बना है। 2 स्पीकर से 3 वाट के, और जो ड्यूल ड्राइव स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब आप यहाँ पर SSD प्लस HDD यूज कर सकते हो। काफी बेहतरीन यहाँ पर आसूस की तरफ से यहाँ पर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में ड्यूल स्टोरेज हमें मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको आसूस के मदरबोर्ड्स यहाँ पर यूज किए, सारे जो आसूस के पीसीज या लैपटॉप्स बोलो, आपको आसूस के ही मदरबोर्ड्स देखने को मिलते हैं। 20 साल से काम कर रहे भाई, आसूस के मदरबोर्ड्स तो यूज करेंगे ही। और यहाँ पर मैक्स कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, मतलब 4 USB A 3.1+ 2.0+ RJ45 HDMI और कैंसिंगटन लॉक भी आपको देखने को मिलता है। भाई ऑल इन वन डेस्कटॉप है ये। और असूस ने यहाँ पर उनकी सॉफ्टवेयर में भी अपडेशंस कर लिए, लिंक माई असूस। तो आप यहाँ पर असूस के मोबाइल अगर रहेगा आपके पास और असूस के लैपटॉप्स रहेंगे, तो आप अपना मोबाइल इंटरेक्ट कर सकते हो लैपटॉप से, या फिर आप लैपटॉप इंटरेक्ट कर सकते हो मोबाइल से, तो दोनों अल्टरनेट यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर स्टोरेज भी ट्रांसफर कर सकते हो, और आप बाकी के जो सारे काम करने हैं वो लिंक करके यूज कर सकते हो। तो काफी बेस्ट यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनता है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन के चलते जो वर्क फ्रॉम होम चलता है ऑफिस काम्स, तो जिसकी वजह से मोबाइल को डेस्कटॉप पे लाना रहता है, तो कनेक्टिविटी से USB कनेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता है, डिसकनेक्ट हो जाता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिंक में आसूस जो है वो सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी से पूरा यहाँ पर आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप पे दिखा देगा, और कोई मैसेज प्रॉम्प्ट होता है, मतलब आपको कोई दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और आसूस ने भी यहाँ पर बायस में अपडेशंस कर दिए, मतलब यूजर फ्रेंडली यहाँ पर ग्राफिकल इंटरफेस पे बायस बनाए, वो ही नहीं यहाँ पर पुराने वाले बायस जो ब्लू ब्लू स्क्रीन में, ग्रे ग्रे स्क्रीन में आपको बायस सेटिंग्स देखने को मिलते हैं, नहीं यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई कर लिया है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आपको बायस सेटिंग्स में भी पता चल जाएगा कि क्या आपको चेंजेस करना है, कौन सी सेटिंग्स किसके लिए काम करती है। तो ये था पूरा आसूस का एक्सपर्ट सीरीज और एक्सपर्ट के सेंटर्स, दोनों फील्ड में यहाँ पर आसूस ने अपने पाव जमा लिए। तो काफी बेस्ट यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड लैपटॉप्स बोलो या फिर डेस्कटॉप बोलो, काफी बेस्ट यहाँ पर निकाले। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, लैपटॉप से इतने सारे थे बताने के लिए, आपको एक ही वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, और पसंद आती जरूर से लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे सवाल के जवाब देता हूँ। एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब टू जीटेक्स, सब्सक्राइब करो यार, फ्री का माल है, एंड हिट द बेल आइकन। बाय।